सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको कलियों वाले सूट की कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखिए, अगर आपको काफ़ी लॉन्ग और घेरदार सूट चाहिए तो उसके लिए आपको 3 मीटर कपड़ा और 3 मीटर लाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। और देखिए, मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा डबल किया हुआ है बीच में से, और इसके बाद हम इसको एक बार और इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। तो देखिए, जितनी हमारे अस्तर की चौड़ाई है वो मैंने पूरी चौड़ाई इसकी ली हुई है और इसको बीच में से फोल्ड किया हुआ है। और जो इसकी लंबाई है, जितने हमारे सूट की तैयार लंबाई है उससे हमें 2 इंच कम रखनी है, और आप इसको 3 इंच कम भी रख सकते हैं। देखिए, इसकी लंबाई 44 इंच है और जो मेरा सूट है उसकी तैयार लंबाई 46 इंच है। और देखिए, इसके बाद सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा मुझे 7 इंच रखना है, तो ये निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद अपने आर्म होल लेंगे, ये मुझे 7.5 इंच रखने हैं, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए, यहाँ से अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा लगाएंगे, तो ये हमारा 9 इंच है। जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो ये 9 इंच पर आएगा। और देखिए, इसके बाद यहाँ से हम एक निशान कमर के लिए लगाएंगे, उसको आप 7 इंच पर भी लगा सकते हैं और 7.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। और यहीं से देखिए, एक निशान 13.5 इंच से 14.5 इंच तक आप लगा सकते हैं, जो हिप के लिए होगा। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। देखिए, इसके बाद जो निशान हमने कमर के लिए लगाया है उसके सामने हम कमर का निशान लगाएंगे। जैसे हमारी कमर 34 इंच है तो ये निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे, उसका चौथा हिस्सा। इसी तरह से जो निशान हमने हिप के लिए लगाया है तो यहाँ पर हम हिप का चौथा हिस्सा उसमें 0.5 इंच और प्लस कर देते हैं। यानी जैसे हमारे हिप 40 इंच है तो ये निशान हम हमारा 10 इंच पे आएगा, लेकिन हम इसको 10.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद देखिए, हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह से गोलाई देंगे। इसके बाद गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच पर निशान लगाइए, और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो 3 इंच पर निशान लगाइए। और यहाँ पर देखिए, एक कट लगाएंगे। और यहाँ से देखिए, या तो आप 1.5 इंच ज़्यादा रख लीजिए या 2 इंच, इस तरह से 2 इंच बाहर बाहर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। और देखिए, यहाँ से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे जैसे हम ए लाइन सूट की कटिंग करते हैं। यानी यहाँ से हम पूरा घेर रखेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये चौड़ाई आपको कम है तो आपको यहाँ पर एक जोड़ लगाना पड़ेगा। और इसको देखिए, यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और इसको यहाँ से हल्के से इस तरह से हम शेप देंगे। और यहाँ से देखिए, इसको हल्के से हम इस तरह से गोलाई देंगे, केवल यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है। और इसके बाद देखिए, यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, इसके बाद यहाँ से जो हमने कमर के लिए निशान लगाया है वो हमारा 15 इंच पर बैठता है, तो उससे हमें 0.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। और जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये कमर का निशान आप 7 इंच पर भी लगा सकते हैं, 7.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये सूट का ऊपर वाला हिस्सा है वो आप 16.5 इंच की भी इसकी कटिंग कर सकते हैं और 15.5 इंच की भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए, हम इस हिस्से को अलग कर देते हैं। और ये जो मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कराई है वो इसलिए कराई है क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। और देखिए, ये जो नीचे का हिस्सा है ये हमारा कलियों के नीचे आएगा, यानी घेर में आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर का हिस्सा दूसरे कलर का लगाएं, तो ऐसे में आपको देखिए इस तरह से दूसरे कलर का
अस्तर इस तरह से रखें और जैसे मैंने उसकी कटिंग की है सेम तरीके से आपको निशान लगाने हैं, यानी इसकी लंबाई आपको 15.5 से 16.5 इंच रखनी है। और इसके बाद देखिए हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे, ये हमारा फिटिंग का होगा, और एक कट यहाँ पर लगाएंगे अपने घेर में। और देखिए यहाँ तक हमें इसकी फिटिंग रखनी है और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे इसके सामने। और इसके बाद हम आगे पीछे के हिस्से को अलग कर लेते हैं। और मैंने देखिए पीछे का हिस्सा अलग कर लिया है और ये आगे का हिस्सा है। इसके बाद हम आगे के मुड्ढों को करीब 1/2 इंच की यहाँ से बीच में से गहराई देंगे इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देंगे। और इसके बाद हम पीछे के गले की कटिंग करते हैं। चौड़ाई के लिए निशान लगा हुआ है और इसकी गहराई मैं 3 इंच रखूँगी, एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे, और यहाँ से भी 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इनको इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से गोलाई देंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए बाजू आप अस्तर की भी काट सकते हैं और बिना अस्तर के भी आप बाजू लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए मैंने अपना सूट का कपड़ा लिया है और इसको मैंने पूरा इस तरह से खोल के रखा हुआ है और बिल्कुल बीच में से इसको फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैंने चौड़ाई में से ही फोल्ड किया हुआ है। और इसके बाद इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड करते हैं। और अगर आपके कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको इस तरह से लंबाई में से फोल्ड करना पड़ेगा। देखिए ये मैंने पीछे का हिस्सा रखा हुआ है और इस पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से तीरे के ऊपर से निशान लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। और ये कटिंग करने के बाद हम दोनों हिस्से अलग कर देते हैं। देखिए ये पीछे का हिस्सा है और इसके गले की भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से, पहले निशान लगाएंगे। और ये आगे का हिस्सा है और हम आगे का अस्तर लेंगे इस तरह से और इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से, आप निशान लगा लीजिए और इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए अगर आपको अस्तर वाला सूट नहीं बनाना है तो पहले आपको इस तरह से ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करनी पड़ेगी और फिर नीचे कलियों की कटिंग करनी पड़ेगी। देखिए इसके बाद हम कलियों की कटिंग करते हैं और ये हमारा देखिए नीचे का हिस्सा है, तो इससे हमें 2 इंच ज़्यादा तो इसका जो तैयार लंबाई है वो रखनी है और 2.5 इंच ज़्यादा हमें और लेना है, क्योंकि जब हम कलियों की कटिंग करेंगे तो हमारी थोड़ी बहुत कली ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हमें कटिंग करके बिल्कुल सीधी करनी पड़ेगी, तो हमें टोटल में ये 4.5 इंच कम से कम ज़्यादा लेना है। और देखिए सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। और देखिए मैंने इसे लंबाई में से फोल्ड किया हुआ है, तो देखिए जो हमें कलियाँ लेनी है उसका मेजरमेंट अब मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये हमारा ऊपर का हिस्सा है और कलियाँ हमें इस हिस्से में जोड़नी है, तो पहले हम इसकी चौड़ाई देखते हैं कितनी है। तो देखिए ये हमारी चौड़ाई 21 इंच है, तो देखिए जैसे हमारी ये चौड़ाई 21 है तो जितनी हमें इसमें कलियाँ लगानी है 21 से हम उतने को ही डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमारी 3-3 इंच की इसमें इस तरह से 7 कलियाँ बैठती हैं, 7 कली आगे और 7 कली पीछे। देखिए जैसे हमारी एक कली की चौड़ाई 3 इंच बैठती है तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये कली कटने के बाद दोनों साइड से आपस में सिलाई इनके ऊपर होती है, तो कम से कम हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए भी लेना है। तो इस तरह से एक कली की चौड़ाई ऊपर से 1.25 इंच हमें लेनी पड़ेगी और नीचे से हम इसकी चौड़ाई अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना हमें घेर रखना है उसके हिसाब से। देखिए ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं, जैसे देखिए एक साइड हमने 1.25 इंच का निशान लगाया और फिर हम दूसरी साइड, आप इसको 6 इंच भी रख सकते हैं नीचे से, 6.5 इंच भी और इससे ज़्यादा भी। तो देखिए मैं 6.5 इंच पर ये निशान लगा रही हूँ इस तरह से,
तो देखिए एक निशान जैसे हमने यहाँ पर 6.5 इंच का लगाया है, तो इसके बाद हम 4.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो या तो आप एक साइड निशान लगा लीजिए इस तरह से, या फिर आप एक निशान इधर और एक निशान इधर इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये निशान यहाँ पर 6.5 इंच पर, फिर 4.25 इंच पर इस तरह से हम 7 कलियाँ लगाएंगे, और फिर 6.5 इंच पर, फिर 4.25 इंच पर। देखिए ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं, ये 4.25 इंच पर है तो इसके सामने 6.5 इंच पर, और यहाँ पर 4.25 इंच पर है तो यहाँ पर 6.5 इंच पर, इस तरह से हमें ये निशान लगाने हैं। और देखिए फिर इनको इस तरह से मिलाएंगे हम निशानों को। तो देखिए इस तरह से ये हमें 7 कलियाँ बनानी है, ये 7 हमारी आगे हो जाएंगी और 7 हमारी पीछे, ये हमारा कपड़ा डबल है। और सबसे पहले हम इसको बीच में सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए इन्हीं निशानों के ऊपर से हम इन सारी कलियों की कटिंग कर लेंगे। देखिए ये कलियां हमें इस तरह से जोड़नी है, जो हमारे पतले हिस्से हैं वो हमारे ऊपर आएंगे और जो हमारे चौड़े हिस्से हैं वो नीचे आएंगे। तो दोनों साइड से इस तरह से हमें ये आपस में सिलने हैं और तब हमें ऊपर के हिस्से में जोड़नी है। और देखिए इसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं। देखिए मैंने कपड़ा इस तरह से पहले बीच में से फोल्ड किया हुआ है और फिर इस तरह से, यानी एक बाजू हमारी ये है और एक बाजू ये है। इसकी जो हम चौड़ाई लेते हैं, जितने हमारे आर्म होल है उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे आर्म होल 7.5 इंच है, तो इसकी चौड़ाई देखिए मैंने 9 इंच ली हुई है। और जो इसकी हम लंबाई लेते हैं, जितनी हमारी बाजू की तैयार लंबाई है उससे 1.5 से 2 इंच ज़्यादा लेते हैं आगे मोड़ने के लिए और इधर मुड्ढों की सिलाई के लिए, तो मैंने इसकी लंबाई 19 इंच ली हुई है। उसके बाद देखिए खुली साइड हम यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से शेप देते हुए यहाँ पर मिलाएंगे। इसके बाद आगे बाजू की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हमारी बाजू की गोलाई 12 इंच है तो उसके आधे पर हम निशान लगाएंगे, ये निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे और 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए। और देखिए इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद देखिए बाजू के बीच में एक कट लगाएंगे। उसके बाद देखिए हम अपने बाजू को खोल लेते हैं और इसके सीधे हिस्से दोनों अंदर की साइड हैं और बाहर की साइड दोनों उल्टे हिस्से हैं, और हम आगे के मुड्ढों को गहराई देंगे करीब 1/2 इंच बीच में से इस तरह से, और इसकी कटिंग कर देंगे। और देखिए इनके ऊपर आप इस तरह से निशान लगा लें ताकि हमें सिलते वक्त आइडिया रहे कि ये हिस्से हमारे आगे आने हैं। देखिए जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हमें अपनी कलियां जोड़नी है, आगे की भी और पीछे की भी आपस में इस तरह से, और फिर ऊपर के हिस्से जोड़ने हैं अस्तर के साथ। और जब हम इसकी फिटिंग करेंगे इनको आपस में जोड़ के, तो वो फिटिंग हमें यहाँ तक करनी है, उसके बाद हमारे कलियों वाला हिस्सा अलग से जुड़ेगा और हमारा अस्तर वाला हिस्सा अलग से जुड़ जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।